हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह सिखाने वाला हूं कि आप रिंगटोन का वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हो, कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, कई बार क्या होता है कि आपके रिंगटोन का वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, आवाज़ उसकी बहुत ही कम होती है। तो अगर आपके मोबाइल पर किसी का भी कॉल आता है तो वहाँ पर आपको पता नहीं चलता है कि किसी का कॉल आया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग पर जाना होगा। अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शंस दिखाई देता होगा। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जाना होगा। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के वॉल्यूम बटन से अगर इसका वॉल्यूम रिंगटोन का बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन का आवाज़ नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर म्यूज़िक का आवाज़ बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पर अपने साउंड एंड वाइब्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिंगटोन का ऑप्शंस मिलता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि रिंगटोन लिखा हुआ है, इसका वॉल्यूम को फुल कर देना होगा। तो आपके मोबाइल फ़ोन यहाँ पर जैसे आप फुल कर दोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ यहाँ पर वॉल्यूम उसका फुल हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन को फुल कर सकते हो। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ से भी रिंगटोन का वॉल्यूम कम या ज़्यादा नहीं होता है, फिर यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर स्लाइड करके नीचे लाना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले देख लेना होगा कि यहाँ पर म्यूट ऑन तो नहीं है, अगर म्यूट पर है तो इसको यहाँ से आपको ऑफ़ कर देना होगा। ठीक, ये अभी ऑन हो गया, इसको यहाँ से ऑफ कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखना है कि DND जो लिखा हुआ है, डू नॉट डिस्टर्ब, ये अगर ऑन होगा तो इसको भी आपको ऑफ़ कर देना होगा। ठीक है, इसके बाद आपके वो रिंगटोन का वॉल्यूम ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन घंटी उसे भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।